मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल के बारे में अशोभनीय टिप्पणी कर लोकतंत्र की गरिमा गिरा रही है। सीएम शिवराज ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान यह भी कहा कि कांग्रेस उनके बारे में कुछ भी कहती रहती है लेकिन वे कभी आपत्ति नहीं जताते हैं। बोलने की दुकान है, झूठ परोसने की दुकान है। अब वो मेरे बारे में कुछ कहते रहे, मैंने आपत्ति नहीं की, लेकिन कल कमलनाथ जी ने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अशोभनीय टिप्पणी की है और उन्होंने झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राज्यपाल संवैधानिक पद है, कम से कम संवैधानिक पद पर बैठे सम्मानी राज्यपाल जी के बारे में ये कहना कि उनसे झूठ बुलवाया, ये लोकतंत्र की गरिमा गिराने का काम है। अब झूठे वादे आप करो, सवाल पूछे तो उत्तर ना दो और फिर चीजें गोलमोल करने के लिए दूसरों पर झूठ बोलने का आरोप लगाओ, ये कांग्रेस की शैली है। लेकिन आज मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप कितने झूठ बोलते हैं। वहीं नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में अमाउंट का जिक्र नहीं होता है बल्कि सरकार की योजनाओं का जिक्र होता है, उसके बारे में चर्चा होगी, कल बजट जब जाएगा तब पता चलेगा क्या प्रावधान किया है। अगला बजट पेश करने वाले पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सपना देख रही है जो कभी सच नहीं होगा। जब बजट आएगा तब पता चलेगा ना कि जिक्र किया है कि नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण में अमाउंट का जिक्र थोड़ी होता है, योजनाओं की जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा होती है, उनके बारे में प्रस्ताव होता है। अब बजट का जब कल बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या प्रावधान किया है। वो सपने देखने में क्या बुरा, ये सपने देखो और अगला बजट नहीं, अब वो भविष्य में कभी बजट पेश नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस का ही भविष्य नहीं बचा तो वो क्या बजट पेश करेंगे, अब तो कांग्रेस देश में कहीं बजट पेश नहीं कर पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का कटौती प्रस्ताव लाने वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि यह बजट सिर्फ एक दिखावा है, यह बजट गुमराह करने का चुनावी बजट होगा। कमलनाथ ने कहा कि विकास यात्रा तो एक नाटक बन गया है, गाँव में मनोरंजन का विषय बन गया है, शिवराज जी को यह बात समझ क्यों नहीं आ रही। कमलनाथ ने डिजिटल बजट पर कहा कि ई बजट और परंपरागत बजट दोनों होना चाहिए। साल का बजट आप लीजिए, इसमें से कितना वितरण हुआ, ये बजट एक बहकावा है, गुमराह करने का है, ये चुनावी बजट होगा, ये बात स्पष्ट है। ये विकास यात्रा तो एक नाटक बन गया है, मनोरंजन का विषय बन गया है गाँव में, और शिवराज सिंह जी को पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ आ रही। ये बजट और परंपरागत जैसे बजट होता है दोनों होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।